अपन ये रोड़ी पानी है जिन्नी भी 4 इंच कितने 5 इंच पैंती है तो आ तुम दिखाने इधर जोड़ा अपन अपना सही लैवल मिल गया वो हिसाब न अपने में ठीक ला देने निशान जिमें आ लगे गा तो इधर लगे आ सारे कितने दिखाने आ लगाए सही तो वो लगाया इधर तो जोड़े ये ठीक लाए ने अपने बजरी से लाए ने यह रोड़ी के उत्ते अपने यदा बेस बनाने वास्ते अपने 1.5 इंच बजरी पानी है ये बजरी की लेयर पानी है तो वो की होंगे एक तो अपना मसाला एक जहाँ पैंता सारे कितने तो मसाला बद घट नहीं पैंता एक मजबूती हो जाती है वधिया प्लेन हो जाता सारा बेस वधिया बन जाता गा कि सलाह पाने का कोई चक्कर नहीं रहता गा तो आ देखो इतने हम रोड़ी कितने बद पैंती है इतने हम 5-6 इंच रोड़ी पैंती है कि घट आ बिच बीम बने हुए हैं तो यदा बैकसाइड एरिया आ गई उदा है पैप पानी वाला तो इतने अपने ढाल दी है ये बच्ची बजरी के बच्चे आप ढाल दे देनी है बाद ये टायल लानी अपने तो इतों जमें वो बैक वो साइड तो इधर ये 2 इंच की ढाल दी है इधर तो अंदर तो सारा 0 लैवल रहूगा 0 लैवल के उत्ते बजरी पेगी सारी कि ये उपर पेगी बजरी बस 1.5-2 इंच बजरी पेगी तो उस तो बाद दिखाने फिर आप बजरी पा के तो एक स्कार्टिंग वगैरह अपने पहला छड़ा ली थी सारी जी स्कार्टिंग लगनी है टायल की सारी अंदर लगनी है बाहर स्कार्टिंग जोड़े लाने वो वधिया नहीं लगती एक उपर टक बन जाता गा वो सही नहीं रहना बुरी लगती है तो अजक सारी स्कार्टिंग अंदर लगती है ये अपने पहला छड़ा लिया सारा कंध के बच्चे तो हम थोड़ा ये बजरी पा के दिखाने भी किमें होगा ये हम इन्हों के रोड़ी पाने तो बाद चंकी तरह ही दुरमट ला लेना गा दुरमट ला के वधिया ते वो तो बाद आप दिखाने इधर रूम के देखो तो अपने जोड़ा ठीहा लाया का निशान ये तो सिर्फ 1.5-2 इंच 1.5 इंच नीवा रखनी है रोड़ी सारी दुरमट लग के भी ये बराबर आ जाए चंकी तरह तो बस इन्नी की बजरी पानी ये उत्ते सिर्फ इनू लैवल सही यदा करने वास्ते 0 लैवल करने वास्ते तो यदा वधिया बेस बन गई सारा तो टायल लाने के कोई दिक्कत नहीं आऊगी मसाला भी कोई आऊगा उस तो बाद तुम्हें ये बजरी ये पा के सारा सही करके तुम दिखाने ये भी किमें हो चाह आ गई तो इस तरीके कहते चाह के बहुत शौकीन होंगे ने पर आप घट शौकीन कदम कदम ले दी है फिर आप करते हैं काम शुरू लोई जोड़े पट्ठीए लाए थे तो वो तो अपने पट्टियां बना लेनिया ने बजरी दें पा लेनिया साइडा पे मैं कंध ना इधर पा ली आह तो अपने अद्ध कर लिया अद्ध करके आह अपने बजरी ये पाती गज नाल हम आह साइड पाने तो आ देखो इन्नी क पतली जी बजरी पैंती है तो सारी इधर एक कमरे से पाई है वही आपने फस्ट फ्लोर से सारा बजरी का काम खत्म करता बजरी पाती सारी तो आ देखो सारे सारे कितने तुम दिखाने इधर सारा कंप्लीट करता आपने तो ये देखो हम सारे जिन्ने एसी के पैप पाए थे सारे दे आ गए जिन्ने बिजली हड़े पैप से पलंबर का कोई पानी वाला पैप सब बिच आ गया तो आह जाल ये तिकर का होर लाना पेगा थोड़ा जिन उच्चा करना पेगा सारा हम साफ दिखता गा तो सारा ये कवर हो गया ही देखो देखो अंदर भी दिखाने इधर देखो इतों इनू 1.5 इंच नीवा कर लिया बारला फ्लोर नीवा गा टायल दे विच भी 1.5 इंच 500 तो नीवा रहूगा इधरला पासा तो अंदरों देखो इधर इधर बाथरूम के भी बाथरूम के भी बजरी जरूरी है कई की करते हैं भी बाथरूम के कली बजरी पाते हैं अपने सारे कति पाई है तो बाथरूम के बहुत जरूरी है भी सर अपने छत के निचली साइड सलाह में कितने भी आए कि क्योंकि इतने पानी का काम हों सारा पानी वगैरह का काम हों गा इस तो बाद हम आप थले ग्राउंड फ्लोर की तैयारी कर रहे हैं तो
ਉੱਥੇ ਗੜਕਾ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਟ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਥੱਲੇ। ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਮਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5-6 ਇੰਚ ਗੜਕਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉੱਤੋਂ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਠੀਏ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੜਕੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ 5-6 ਇੰਚ ਗੜਕਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਏ ਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਪ ਪਊਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੁਰਮਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਮਟ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਕਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ।